अच्छा स्कर्ट की तरह बिल्कुल लग रहा है, लहंगा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। किस टाइप के निकम्मे मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तरुआ रोटी। फोन भी अच्छा लोगे फोन तो उसमें अच्छे खासे पैसे खर्चे होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्चे, 2 लाख लग। सो गाइस सूट वगैरह कंप्लीट और मत देखो रेड रेड हो चुका है गाइस। हेलो, पहनना बचा हुआ है। हाँ, तुम्हारा बाकी है कुछ कुछ चीज, बाल और अब मेकअप किया जाएगा। मेरे बैग गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं दोस्त मिलने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। और अभी हम लोग नहा वहा के पूजा सब कुछ कर लिए और हम फिर से सो गए थे। ठीक है, उठे हैं मतलब उठे ही हैं समझ लो ऐसा, क्योंकि रात भर एडिटिंग किए, इतना ज्यादा मोबाइल फुल था, 4-5 वीडियो बहुत बड़ा बड़ा सा था, रचना का भी, हम अपना भी सारा एडिट करके सोए, 1 घंटा मात सोए होंगे। 6 बजे उठे हैं और नहा वहा के पूजा सब चीज कर लिए, थोड़ा सा सुला गया इसलिए फेस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और अभी चलिए चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। हम लोग ना बहुत देर पहले जाने वाले थे लेकिन रचना को हम उठाए लेट से, तो इस वजह से चलिए चलते हैं, तैयार हो जाते हैं थोड़ा सा। हो गई है गाइज, सुबह सुबह जो नहा लेंगे ना, आदत तो है नहीं नहाने की, इसलिए नाक बह रहा है इसका। फटाफट से बैग ले लेते हैं, इस इयररिंग को रखो तो रचना, इसको रख दो। भाई साहब आते ही इतना लंबा लाइन है कि कुछ कहने का नहीं, बहुत कोई आ रहा है, बहुत लंबा लाइन है गाइस, धूप में खड़े हैं। Cheers. मरे जा रही है भूख से, तो चलिए हम एंजॉय करते हैं। मंदिर से आ चुके हैं और बहुत ज्यादा हालत खराब होगी, वहाँ पे हम ब्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि इतनी भीड़ थी, अगर हम कुछ बोलते भी तो आवाज सुनाई नहीं देता क्योंकि मेरे फोन में माइक नहीं लगा रहता है। और अभी खाना बनाने वाले हैं क्योंकि हम लोग के घर के तरफ कल फास्टिंग है, तो हम लोग कल करेंगे, आज साधु संत वाला है और कल है हम लोग के लिए करने वाला, तो मम्मी लोग भी कल ही करेगी, मेरे घर पे सब कोई कल ही करेगा, तो इसलिए हम भी कल ही करेंगे। और पटना में मतलब बहुत ज्यादातर लोग आज कर रहे हैं लेकिन हम लोग कल करेंगे, ठीक है फास्ट। तो अभी चलिए जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं क्योंकि मंदिर जाने के बाद बहुत जोरों की भूख लग जाती है, पता नहीं क्यों। तो अभी जूस पी के आए हैं और अभी खाना बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, पता नहीं वो पीछे में क्या कर रहे हैं। तो गाइज आज है सेकेंड डे और कल हम बहुत ज्यादा मतलब ब्लॉग नहीं कर पाए थे, बस थोड़ा सा मंदिर का कर पाए थे। और आज है हम लोग का फास्टिंग, कल फास्टिंग भी नहीं था और कहीं गए भी नहीं थे, इस वजह से ब्लॉग नहीं कर पाए थे, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, ठीक है। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं और वीडियो शूट करने के लिए, कंकड़ बाग कर लो। तो अभी ये थोड़ा सा इयररिंग पहनेगी और हम लोग तुरंत निकलेंगे, यहाँ से लेट हो रहा है गाइज। और आज ना एक थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। हाँ सही में यार, मतलब दीदी देखो ना ये इयररिंग ना 3 हो गए क्योंकि मेरा पिछला वाला ना एक खड़ा आ गया था, तो हाँ, कौन सा पहने, ये काला हो गया होगा, नहीं ये काला नहीं हुआ है, ये काला हुआ है, नया वाला पुराना हो गया, पुराना वाला नया लग रहा है।
बहुत कुछ बताना है, सरप्राइज बहुत कुछ बताना है आप लोग से, मतलब कुछ कुछ चीजें शेयर करनी है जो वीडियोस देखते हैं हम लोग को इतना ज्यादा प्यार से। चलो 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 ठीक है, हाँ चलिए चलते हैं। पहुँच गए गाइस, लिफ्ट खराब है, उस दिन भी आया था तो लिफ्ट नहीं चल रहा, तो पसीने पसीने हो गए गाइस, जबकि इतना ठंडा मौसम है कि कुछ कहने का। हम तो नींद से उठे भी नहीं थे, हम नींद में थे, नींद से उठा के हमको लेके आई है, खाना था गाइस, जल्दी जल्दी से काम है, दिखाएंगे आपको ब्लॉग में। गाइस आज हम लोग आ चुके हैं सैलून में और यहाँ पे एक सूट है जो कि आपको देखने को मिलेगा आगे। तो फिलहाल मेरा आईब्रो बन चुका है, अपर लिप्स बन चुका है, पूरा रेड रेड हो चुका है गाइस, और जो भी चीज़ें होंगी आपको देखने को मिलेगा इसी ब्लॉग में। तो फिलहाल हमारा मेकअप हो गया सबसे पहले, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इधर रचना भी एकदम तैयार हो रही है, और गाइस अभी देख सकते हो दीदी का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है, अभी पहले बाल बनाएंगे ये लोग, उसके बाद होगा मेकअप, और दीदी आज बनने वाली है राधा रानी। आज आप लोग फर्स्ट टाइम देखोगे दीदी को राधा रानी के रूप में, सब कोई पहले प्रणाम कर लेना इसको, उसके बाद आगे का होगा जो होगा। क्या दीदी आशीर्वाद दो। ये ठीक, और अभी क्लिनजिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है हम लोग का। हेलो, पहनना बचा हुआ है, तुम्हारा बाकी है कुछ कुछ चीज, बाल को भी थोड़ा, हाँ कोई बात नहीं, ओवरऑल लुक इसका बहुत खूबसूरत, लहंगा बना के पहने, हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा स्कर्ट की तरह बिल्कुल लग रहा है, लहंगा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तैयार हो चुके हैं, थोड़ा बहुत बालों में फूल का जो होता है वो लगाना है, और बाकी तैयार हो चुके हैं। लुक का वीडियो जितना भी चीज होगा रचना वाले चैनल पे आप अच्छे से देख पाओगे, शूट करते हैं, कंटिन्यू बने रहिए अभी से पीछे में देख। फाइनल लुक देख सकते हो,
और अभी हम लोग ना बाहर जाने वाले थे सूट के लिए, लेकिन इतना ज्यादा लेट हो चुका है, मतलब 5:30 बज चुके हैं, तो हम लोग जा नहीं पाएंगे। अंदर में ही सूट होगा, रूम में ही। देखो लग रही है ना प्यारी पंजाबन। नहीं डालेगी तो गाइस, सब कुछ हो चुका है, आईलाइसेस वगैरह सब कुछ लग चुके हैं और हम पूरे रेडी हो चुके थे। कंप्लीट और अभी तुरंत खोल ओल के निकलेंगे यहाँ से। फाइनली सब कुछ हो चुका है और अभी हम लोग जाने वाले हैं। बारिश भी बहुत तेज आने वाली है, पता नहीं कैसे जाएंगे। फिलहाल कॉफी पीते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। फाइनली हम लोग वहाँ से आ चुके हैं और फास्टिंग में भी इतना ज्यादा थक चुके हैं कि मतलब मन करता है सीधे सो जाए, लेकिन 12 बजे पूजा पाठ करना है नहा वहा के। तो सब कुछ आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। वो जन्माष्टमी का ही ब्लॉग था और सूट भी भगवान के दया से राधा रानी का मिला था, मतलब बहुत अच्छा रहा आज का दिन। और रचना के लिए भी मेरे लिए भी बहुत स्पेशल था क्योंकि फर्स्ट टाइम हम गए थे एक मॉडल के रूप में सूट करने के लिए। उसके बाद कुछ ऐसे और पहला एक्सपीरियंस अव्वल रहा। फिर हम कैसे लग रहे हैं? तुम फिर से लगा ली हो क्या? तुम्हारा ठीक से वो छुड़ाई नहीं थी क्या? 5 बार फेस वॉश। तुम सिर्फ फेस वॉश की थी? क्लींजिंग भी 3 बार किए थे, वो 2 बार की, उसके बाद हम खुद से किए। वो ना मेरे आंखों के अंदर से काजल निकल रहा है। और एक बात इम्पोर्टेंट चीज, हाँ वो जो हम लोग बताने वाले थे उस टाइम, वो बता रहे हैं कि बहुत लोग ना गाइस हेट कमेंट करने लगे हैं, फेक आईडी बना के। फेक आईडी बना तो रियल आईडी से बाबू आ जाओ देख लेंगे, आप में हिम्मत है तो। मतलब क्या जरूरत है किसी को इतना ज्यादा हेट करने की? पिछले 4 साल से हम यूट्यूब कर रहे हैं तो मेरे समझ में आ जाता है कौन सा फेक आईडी और कौन सा रियल आईडी। अगर दो दिन पहले मेरे चैनल पे लोग आते हैं ना, वो मुझे हेट क्यों करना भाई? किसी से कोई और मेहनत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वीडियोस बना रहा है। अगर हम दिन रात जाके वीडियोस ही बना रहे हैं, अगर हम हॉस्टल में ही रह रहे हैं तो आप लोग को क्या दिक्कत है भाई? हमको तो ये समझ, अगर कोई लड़की हॉस्टल में रहती है वो पढ़ती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, और वीडियोज भी नहीं बनाती, कुछ भी नहीं बनाती, उसको तो कोई देखने नहीं जाता है कि वो क्या कर रही है नहीं कर रही है। अगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उससे हम लोग का अर्निंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो हम लोग का मतलब क्या बताया आप लोग को, कितने मतलब बुरे बुरे अगर लोग कोई होते हैं ना, जैसे कि मुझे जानती या फिर दीदी को जानते हैं, हम लोग को इसी में सब, हम लोग को सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी चीज में सेटल हो जाओ। हम लोग इसी में हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उस चीज में आप लोग सपोर्ट करोगे या फिर ऐसे बोलने लगोगे तो फिर हम लोग टूट जाएंगे ना। जिस चीज के लिए, जिसको दिखाने के लिए इंसान करता है, और वही जब ऐसे बोलेगा कि तुम लोग रात दिन ऐसे करती हो, तो हम लोग के मम्मी पापा भी ब्लॉग देखते हैं। एक लोग कोई हैं जो 75 आईडी बना रहे हैं, पता नहीं किस टाइप के निकम्मे, मेरे समझ में नहीं आ रहे, ठीक है। बहुत बुरा लगता है। पहले जाते हैं 11 बजे, तो 9 बजे रात को आते हैं हम लोग हॉस्टल में, ठीक है। और वही मेरा काम ही है, कोई जॉब करता है तो उतना घंटा देना पड़ता है ना, तभी पैसे मिलते हैं ना, तो ऐसा समझ लो बस। तो उस चीज के लिए हमको पैसा मिलता है, तभी हम कहीं पे जाके काम करते हैं, तो फ्री में नहीं जैसे बकते रहते हैं कहीं भी। आज तक घूमने नहीं गए, इस बात का दुख है हमको किसी चीज के लिए। और कहीं जाते भी तो उसका रीजन रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसी से हम लोग का सब कुछ है।
और उस चीज को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम लोग भी इंसान है, ब्लॉगर है, मतलब क्या पत्थर दिल थोड़ी, और हम ही लोग थोड़ी ना यार ब्लॉग करते हैं, कितने लोग का घर चल रहा है ब्लॉगिंग कर करके, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे एग्जांपल हैं यार। हम लोग एकदम फेमस हो गए, एकदम छोटे छोटे से, इतने छोटे से ब्लॉगर जिसका इतना सा सब्सक्राइबर भी नहीं है। जल्दी बंद करो। तो गैस छोड़िए इस सब चीज को, अच्छा दिन है आज का, और पूजा पाठ करेंगे, सब कुछ आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बाकी हम बस इतना ही बोलना था हमको कि अगर आप लोग ना मेरी ब्लॉग देखते हो, अगर हेट ही करना है तो मत देखा करो, हम हाथ जोड़ के हम आपको तो ब्लॉग कर देते भाई, हमको नहीं स्ट्रेस लेना, वैसे ही काम का बहुत ज्यादा लोड रहता है, ऊपर से ये सब कमेंट देख के इतने पतले होते जा रहे हैं, दिन हजार आदमी अच्छा बोले लेकिन एक जो कोई खराब बोलता है ना, वो चीजें सीधा यहाँ पे लगती है, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपको कुछ भी बुरा लगता है या फिर ऐसा लगता है हम लोग पढ़ने वाले नहीं है या फिर मत देखो प्लीज, मत देखिए, सीधी सी बात है आपके लिए यही है कि मत देखिए, हम लोग को बुरा आपको भी नहीं लगेगा, हमको भी नहीं लगेगा, ठीक है। जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं वो हमको देखते हैं और हमसे प्यार भी करते हैं, वो बहुत सब्सक्राइबर अच्छा है ही नहीं जो हेट करते हैं, हम लोग के सब्सक्राइबर थोड़ी ना है। अरे यार वीडियो भी देखता है, ऊपर से कमेंट जरूरी नहीं है कि आप कमेंट करो हम तुरंत डिलीट करने उसको बैठ जाए, चार चार घंटे तक नेट नहीं करते हैं, आप देखते होंगे कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कमेंट का कभी रिप्लाई कर पाते हैं तो बिजी रहते हैं, घर के लोग भी देखते हैं और उधर से कॉल करती है, मम्मी देखो बेटा तुम्हारे कमेंट में ये सब था, तो अच्छा थोड़ा सा नहीं लगता और तभी सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज जो भी कर रहे हो ना ये सब फेक आईडी बना के इतना टाइम कैसे भाई, थोड़ा सा मेरा सब कुछ मैनेज कर दो ना, आप इतना ही हालतों का घूम रहे हो, ये वो कर रहे हो, थंबनेल ही बना दो बस, कुछ कुछ कर दो हेल्प हो जाएगी, नल्ले ऐसे मत रहो यार, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपकी लाइफ के लिए, बोल रही हूँ मैं। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है ना, सब कुछ कुछ करिए, अपना काम करिए, फिर टाइम मिले तो मेरा ब्लॉग देखिए, ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही बनाते रहे आप लोग के लिए और आप लोग सब कुछ काम छोड़ के देखो, हम नहीं बोलेंगे। आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी जॉब कर रहे हो, सारा कुछ करने के बाद जब फ्री टाइम मिले ना, खाने टाइम ही देख लो, लेकिन देख लो, ठीक है, ये चीज हम। और मेरे सब्सक्राइबर तो गाइस ऐसे हैं, लाइक उनको तो जितना थैंक यू बोल ऐसे जितना बोले उतना कम है, बहुत छोटा वर्ड होता है, बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है, तो हम पूजा पाठ जब करेंगे तब दिखाएंगे, फिलहाल रेस्ट करते हैं, हालत खराब है, रात में नहाना भी है, चार बार हेयर वॉश हुआ है, आज तो लगता है बुखार लग जाएगा, हमको भी ऐसा ही लग रहा है, बहुत ज्यादा तबीयत वाली, एक तो पूरे दिन फास्टिंग, ऊपर इतना ज्यादा थक गए ना वो ब्राइडल वाला, देखो गाइस हम पहली बार रेड नेल पेंट लगाए और ना इस बार ना हम फुल ब्लॉग बनाए, तो मेरे चैनल पे जाके देखना पूरा सब कुछ, हम नहीं अच्छे से बना पाए क्योंकि हम शूट करने में पूरा मगन थे और मेरा फोन उतना अच्छा है और आदमी के सामने बोल नहीं पा रही थी और हम ब्लॉगिंग कर रहे थे वो अलग, इसके लिए प्रेशर था, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो गया एक ब्लॉग के लिए, खैर कोई बात नहीं, अच्छा भी नहीं आता इसके फोन से, इस वजह से हम शूट किए, बस कुछ दिनों की बात है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इतनी सारी दिक्कतें बीच बीच में आ जाती है ना कि सही से पैसे ही नहीं जमा हो पा रहे, आज मैं खोल के बोल रही हूँ, फोन मेरे भाई का फोन आना था, फिर मतलब पता नहीं क्या क्या हो जाता है बीच में, बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी, आप लोग को पता नहीं सारा कुछ हम लोग खुद से मैनेज करते हैं, तो इस वजह से बीच बीच में ऐसा हो जाता है ना कि जो हम अपने लिए सेविंग करते हैं वो कहीं और चला जा रहा है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि फोन भी अच्छा लोगे फोन तो उसमें अच्छे खासे पैसे खर्चे होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्चे, 2 लाख लगभग, हाँ तो वो थोड़ा सा हो जाता है सब कुछ करते हुए थोड़ा सा सेविंग। अरे बहन बंद कर ना, देखिए कितने मिनट का ब्लॉग बना दी तू, इसके बाद माय माता आप सीधा भाषा से वेट करिए पूजा पाठ कर टाइम रहे हैं 11:30 से ज्यादा, मतलब 12 बजने ही वाले हैं, 5-6 मिनट बाकी है और हम नहा वहा के आ चुके हैं, अभी करेंगे पूजा, तो ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू, रचना भी नहा रही है गाइस, पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है कंप्लीट, देखो नेक्स्ट डे, और हमने बनाया है सुबह सुबह चावल दाल सब्जी पापड़, मतलब पापड़ नहीं है ये, तरुआ रोटी एक, क्योंकि